प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे अध्याय 12 और कक्षा 8 रहेगी, गणित विषय रहेगा। तो अध्याय 12 का नाम है जैसे गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। तो इसमें हम एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे, समाधान करेंगे, गुणनखंड करने सीखेंगे हम इस अध्याय में। तो इसमें सबसे पहले हम, अब पहले ये 14वां पाठ होता था पुराने उसमें बुक में, लेकिन अब 12वां पाठ है ये। तो इसमें हम आज की इसमें करेंगे 12.1 प्रश्नावली। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों? 12.1 प्रश्नावली है। तो इसमें पहला प्रश्न है, जैसे आपके पास ये दिया गया है, दी गई शर्तों के दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दिए हुए पदों में, ठीक है? तो यहाँ पे पद आएगा दिए हुए पदों में, ठीक है? दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमने। सार्व गुणनखंड होते हैं जिन्हें हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहेंगे और हिंदी में सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब है जो सभी में हो, ऐसे गुणनखंड जो सभी के हो, कॉमन हो, ठीक है? तो इसमें जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए आप इसका उत्तर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है? तो इसको देखते हैं, समझते हैं क्या किया हमने। इसमें आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 12x और 36 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? 12x के और 36 के सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें पहले 12x के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। तो 12 के गुणनखंड आप ऐसे बना सकते हो बच्चों, 12 के इस तरह गुणनखंड करोगे, किस पे जाएगा? 2 पे 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 × 2 × 3। तो ये लिखा है जैसे 2 × 2 × 3 और 1x है इसके साथ, ठीक है? ऐसे ही हमने 36 के गुणनखंड करने हैं। किसके करेंगे बच्चों? 36 के। तो 36 के क्या गुणनखंड आएंगे? 2 पे जाएगा पहले, 18 × 36 होते हैं, फिर 2 पे 9 × 18 होते हैं, फिर 3 पे 3, 3 पे 1, ठीक है? तो ये फैक्टर आ गए जैसे 2 2 3 3, 2 2 3 3, इसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही आ गया, ठीक है? अब हमने सार्व गुणनखंड निकालने हैं या कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? जो दोनों में हो। देखो दोनों में, एक तो दो ये है दोनों में, तो ये 2 लिख दिया, फिर दूसरा 2 दोनों में ये है, ये लिख दिया, फिर ये 3 है दोनों में, तो ये लिख दिया, बाकी और कोई भी कॉमन नहीं है जो दोनों में हो, बाकी हम नहीं लिखेंगे। तो इसलिए 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12। तो 12 जो है इनका सार्व गुणनखंड आ गया बच्चों। 12 क्या आ गया? ठीक है, तो इसे जल्दी से कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद आपके पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 2y और 22xy, इनके सार्व गुणनखंड आपने निकालने हैं। 2y है और 22xy है, तो 2y के गुणनखंड लिख लिए 2 × y, ठीक है? और 22xy के क्या लिखेंगे? 22xy के 2 × 11 × x × y, ठीक है? तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? देखो दोनों में एक 2 है, एक 2 है, दोनों का 2 एक लिख लिया, फिर दोनों में इसमें y है, इसमें भी एक y है, तो y लिख लिया। तो 2y जो है इसका सार्व गुणनखंड आ गया इसमें 2y, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है? और एक आंसर इसका ये है। तो ये जल्दी कर लीजिए आप लोग, अगले क्वेश्चन करते हैं फिर।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आ गया बच्चों। इसमें देखिए कह रहा है कि 14 पी क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का के सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले 14 पी क्यू का के बनाए हमने। 14 का मतलब है यहाँ पे आप कर सकते हो अलग से, दो पे जाएगा, दो सत्ते 14 होते हैं, फिर सात पे जाएगा एक। ऐसे ही 28 के कर सकते हो आप, 28 के क्या आएंगे बच्चों, दो 14 टू जा 28, फिर टू पे जाएगा 7 टू जा 14, फिर 7 पे ही जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 14 को हमने 2 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया, 2 गुना 7, और पी क्यू भी है तो पी गुना क्यू भी लिख दिया, ठीक है। फिर हमने 28 को लिखा 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 7, यहां तक 28 हो गया ये। फिर पी स्क्वायर को लिखा पी गुना पी, क्यू स्क्वायर को लिखा बच्चों क्यू गुना क्यू, ठीक है, समझ में आया यहां तक। फिर उसके बाद अब दोनों में कॉमन देखने हैं, सारव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर, सारव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर, सारव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर, तो ये आ जाएंगे दो दोनों में हो। अब ये दो इसमें भी है, ये दो इसमें भी है, इसलिए ये दो लिख दिया बच्चों। फिर इसमें ये 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 लिख दिया। फिर एक पी इसमें है, एक पी इसमें है, ये लिख दिया एक पी। फिर एक क्यू, एक क्यू और एक क्यू यहाँ लिख दिया, तो ये आ जाएगा बच्चों 7 × 14 पी क्यू। तो ये 14 पी क्यू जो है वो सारव गुणनखंड आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसे कर लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट आ गया है बच्चों। 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। अब तीन पद आ गए इसमें, क्या है, 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। तो 2x के हमने फैक्टर बनाए पहले 2 गुना एक्स, ठीक है। तो 2x के हो गए ये, फिर 3x के 3 गुना एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर। तो ये हो गया 3x एक्स। फिर 4 के 2 गुना 2। तो अब हमने इन तीनों में देखा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे इसमें 2 है, इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें x है इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है इनमें नहीं है। हमने ऐसा फैक्टर देखना जो तीनों में हो, तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका एक होता है। क्या होता है बच्चों, एक, ठीक है। तो इसलिए सारव गुणनखंड जो है एक होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक जरूर होता है, इसलिए ये सारव गुणनखंड एक आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। 12.1 प्रश्नावली में फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो इसमें देखिए आप क्या कह रहे हैं कि 6 ABC, यही है ना क्वेश्चन, देखना 6 ABC + 24 AB² + 12 A² B, सही है, हाँ। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इनके सारव गुणनखंड निकालने हैं। तीन हमारे पास पद दिए गए हैं, इनके पहले तो 6 के गुणनखंड बनाएंगे। तो 6 को 2 × 3 लिख दिया, फिर A × B × C, ABC का ऐसे लिख दिया, ठीक है, आसान है बहुत। फिर 24 के गुणनखंड बनाएंगे, 2 × 2 × 2, 8 हो गए, और 3 8 × 3 = 24, ये 24 हो गया बच्चों। आप ऐसे भी बना सकते हो 24 के गुणनखंड,
ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आते ना तो ऐसे तो 12 2 24, फिर 2 पे 6, ठीक है, फिर 2 पे 3 आ जाएगा, फिर 3 पे 1 आ जाएगा बच्चों, तो ये कर सकते हो आप। और ए बी स्केयर, ए आ जाएगा अकेला, बी स्केयर का मतलब है बी गुणा बी, ठीक। फिर 12 ए स्केयर बी है, 12 के भी आप बनाओगे, 12 के ये बन रहे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 12 आ जाएगा। फिर ए स्केयर को आप ए गुणा ए, बी को बी, ठीक है। अब तीनों में कॉमन देखने हैं, सार्व गुणनखंड का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमन, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर आप निकालोगे, तीनों का 2 ले लेंगे, तीनों में से 2 आ गया एक, ठीक है। फिर 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, इनके लिए 1 3 ये लिख दिया बच्चों, ठीक। फिर ऐसे ही ए ए और ए, तीनों में ए है तो इसलिए इसके लिए ए ये लिख दिया, ठीक है। तीनों में बी, एक बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो दूसरा बी ए बी लिख दिया। बाकी और कोई कॉमन नहीं है, सी इनमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 2 3 6 ab, तो ये 6 ab जो है सार्व गुणनखंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, आया समझ में। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही 6th पार्ट है ये करते हैं। तो 6th पार्ट में देखिए क्या है, 16x की पावर 3 -4x की पावर 2, ये x की पावर है बच्चों, यहाँ पे ये है जो यहाँ पे 2 है x की पावर 2, और 32x, ठीक है, 32x। तो 16x की पावर 3 को हम लिखेंगे, 16 के फैक्टर बनाए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और x की पावर 3 3 बार x गुणा कर दिया। फिर -4x की पावर 2 है ये बच्चों, x की पावर 2 है ये, ठीक है। तो -4 के फैक्टर बनाए, माइनस आ गया बाहर, और 2 गुणा 2 4 है, x की पावर 2 का मतलब x गुणा x। फिर 32x, 32 के आएंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो ये 5 बार आ जाएगा 2 और x है। अब सार्व गुणनखंड देखने हैं, तो 1 2 और ये हो गया पूरा, तो इसके लिए 1 2 आ गया, यहाँ पे बराबर कर लो आप, ठीक है। फिर 1 2 फिर दूसरा 2 फिर तीसरा 2, ये भी हो गया, ये लिख दिया। बाकी इसमें 2 तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें भी है, इसमें नहीं है इसलिए हम और नहीं लिखेंगे। x देखो, इसमें 1x है, इसमें भी है, इसमें भी एक ही है, तो 1x आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, बाकी और कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4x। तो सार्व गुणनखंड आपका आंसर आ गया बच्चों 4x, ठीक है। तो इसे कर लीजिए आप लोग, आ गया बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ही, हमारे पास 7th पार्ट है, 10 PQ, ठीक है, 20 QR और 30 RP। तो हम 10 PQ के बनाएंगे, पहले 2 गुणा 5 P गुणा Q, फिर 20 QR के बनाएंगे बच्चों, 20 के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 और फिर Q गुणा R, फिर 30 RP के बनाए, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 × 15 = 30 होते हैं, R गुणा P, ठीक है। अब इनमें देखें कॉमन क्या है, दोनों में ये 2 भी है 2 भी है 2 भी, तीनों में है तो इसलिए 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर
पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, इसलिए सार्वगुणनफल पांच हो गया। बाकी पी इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, क्या उ दो में है तीसरे में नहीं, आर दो में है तीसरे में नहीं, तो इसलिए बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सार्व गुणनखंड जो है इसका आंसर है ये बच्चों, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया है पहले क्वेश्चन का ही आठवां पार्ट। तो इसमें देखिए तीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है, फिर 10 एक्स की 3 वाई की 2, फिर 6 एक्स की 2 वाई की 2 जेड, ठीक है। तो इसमें देखिए अब 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख लिया, 3 गुना एक्स गुना एक्स गुना वाई गुना वाई, ठीक है। तो फिर उसके बाद 10 एक्स की 3 वाई की 2 को लिख दिया, 2 गुना 5 10, एक्स को 3 बार गुणा करेंगे, वाई 2 बार गुणा करेंगे, फिर 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और एक्स गुणा एक्स वाई गुणा जेड, ठीक है। तो इसमें सार्व गुणनखंड आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों सार्व गुणनखंड, दोनों में तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, एक्स एक्स और एक्स कॉमन है तो एक्स लिख दिया, बराबर लिख लोगे यहाँ पे बीच में, एक एक्स और कॉमन है तीनों में, एक्स एक और, दो वाई कॉमन है, एक ये और एक ये, दूसरा वाई ये, तो दो वाई कॉमन हो गए, तो दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। तो सार्व गुणनखंड जो है बच्चों ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ऐसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 12.1 का दूसरा प्रश्न है, ये समझे क्या कहता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी व्यंजकों के हमने गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं दिए गए हमारे पास जो व्यंजक हैं। तो जैसे आपके पास पहला पार्ट है 7x-42 है, तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं सारे और इनके आंसर देख लेते हैं अब हम, और इनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है पूरा। तो इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 7x-42, 7x-42 42 है, तो इसके फैक्टर बनाने हमने। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखिए ये तो इसका आंसर है, लेकिन इसको और भी सॉल्व करना है अगर आपने, तो हम इसको लिखेंगे 7 गुणा एक्स और माइनस 42 के भी फैक्टर बनाएंगे हमें, 7 गुणा 6, 7 × 6 = 42 होते हैं। अब देखिए बच्चों इन दोनों में 7 कॉमन है, जो कॉमन होता है ना सार्व गुणनखंड है जो, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, तो ये 7 लिख लिया और अंदर बचेगा एक्स माइनस 6, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों 7 कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा एक्स माइनस 6, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आई बात। ये ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करोगे, 6p-12q है, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 6p को हम 6p ही लिखेंगे, 6 × p और माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 और क्यू, ठीक है। तो इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है, दोनों में 6 है, तो दोनों में 6 है तो 6 को मन ले लेते हैं और अंदर बचेगा p-2q, p-2q, तो आपके पास ये आंसर है 6p-2q, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास 7a² + 14a, तो 7a² को हम लिख सकते हैं 7 × a × a और 14 को 7 × a और गुणा 2, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेते हैं, 7 × a × a जमा 7 × 2 × a, ठीक
ठीक है, 14 ए को हमने ऐसे लिख लिया। अब दोनों में सारों क्या है, सात है और ए है, सात है और ए है, तो जो सारों गुणन खंड है वो बाहर लिख लिया और अंदर बचा ए ए प्लस दो, तो सात ए प्लस दो, ठीक है, सात ए इंटू ए प्लस टू। फिर ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, माइनस सोलह जेड जमा बीस जेड की पावर तीन, ठीक है। तो अब इनमें से भी देखो कॉमन देख लेते हैं, पहले कॉमन फैक्टर बना लो। तो सोलह जेड को हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस चार गुणा चार, चार चौके सोलह होते हैं, ठीक है, चार चौके सोलह जेड गुणा जेड लिख दिया, और जमा बीस जेड क्यूब को हम लिख सकते हैं बच्चों चार गुणा पांच बीस होते हैं, जेड गुणा जेड गुणा जेड, ठीक। अब इनमें सारव गुणनखंड क्या क्या है, चार है दोनों में, जेड है एक, तो ये चार जेड यहाँ पे आ गया और बाकी बचा बच्चों यहाँ पे, तो चार जेड तो आ गया आगे, माइनस चार बचा जमा पांच जेड स्क्वायर बचा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास फिफ्थ पार्ट है, बीस एल की पावर दो एम, एल है बच्चों ये एल की पावर दो एम, और तीस ए एल एम, तो अब ये बीस और तीस है, इनमें दस कॉमन आ जाएगा क्योंकि दस गुणा दो और दस गुणा तीन, और एल दोनों में कॉमन है, एम भी दोनों में है, तो दस एल एम, दस ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे दो एम दो एल बचेगा दो, क्योंकि एल स्केयर है ना, तो इसको चलो ओपन करके लिख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा बीस को हम लिखेंगे दो गुणा दस गुणा एल गुणा एल गुणा एम, ठीक है। तो इसके फैक्टर लिख लिए, फिर जमा तीस को हम लिखेंगे तीन गुणा दस एल क्या है, तीस क्या है, ए एल एम, ए गुणा एल गुणा एम। अब इनमें से जो जो भी कॉमन है, दस है एल है एम है, दस है एल है एम है, तो दस एल एम यहाँ ले लिया, यहाँ रहेगा दो एल, दो एल और तीन ए, तो ये आपका आंसर है बच्चों। फिर आपके पास छठा पार्ट है, पांच एक्स की दो वाई माइनस पंद्रह एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए फैक्टर, पांच एक्स गुणा वाई हो जाएगा माइनस पंद्रह एक्स, पंद्रह को आप लिखोगे तीन गुणा पांच, ठीक है, पंद्रह क्या लिखोगे तीन गुणा पांच, ठीक। तो आप लिखो इसको क्या लिखोगे, पांच गुना एक्स गुना एक्स गुना वाई और माइनस तीन गुना पांच गुना एक्स गुना वाई गुना वाई, ठीक है। तो दोनों में क्या आ जाएगा, पांच एक्स वाई दोनों में आ जाएगा, पांच एक्स वाई पांच एक्स वाई, ठीक। तो पांच एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे पांच एक्स वाई कॉमन आके एक्स बचेगा, एक्स लिख दिया और माइनस तीन वाई बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही छठे पार्ट में सातवें में, दस ए स्क्वायर माइनस पंद्रह बी स्क्वायर जमा बीस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इन तीनों में यहाँ ए स्क्वायर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर अलग अलग है, तो इनमें तो कॉमन होगा नहीं। अब दस पंद्रह और बीस इन तीनों में पांच कॉमन आएगा, तो यहाँ पांच जब चला जाएगा तो दो ए स्क्वायर बचेगा अंदर, अब तीनों में पांच कॉमन ले लिया बाहर और अंदर यहाँ पे दो ए स्क्वायर बच जाएगा, इसको पांच से भाग देंगे तो तीन माइनस तीन बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ चार सी स्क्वायर बचेगा आंसर, ठीक है। फिर आठवां पार्ट है, माइनस चार ए स्क्वायर जमा चार ए बी माइनस चार सी ए, इनमें देखो चार 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 तीनों में है तो चार आ गया,
यहाँ ए भी है, ए है, ए है, तो ए, तो यहाँ माइनस ए बचेगा, यहाँ से बी बचेगा और यहाँ से माइनस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, चार ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, फिर उसके बाद नौवां पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई जेड जमा एक्स वाई स्क्वायर जेड जमा एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक, तो इनमें देखिए एक्स एक्स और एक्स कॉमन है, फिर वाई कॉमन है, फिर जेड भी तीनों में है, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, तो यहां से एक्स चला गया तो यहां अंदर बचेगा, यानी एक्स वाई जेड गया तो एक एक्स बचेगा, यहाँ एक वाई बचेगा, यहाँ जेड बचेगा, तो ये आपका आंसर। ठीक, फिर दसवां पार्ट है आपके पास ए एक्स स्क्वायर वाई जमा बी एक्स वाई स्क्वायर जमा सी एक्स वाई जेड। तो इनमें देखिए एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स, यहाँ बी वाई, सी जेड। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर दो था 12.1 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर तीन। तो क्वेश्चन नंबर तीन में भी ये कह रहा है गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करना है, इसके हमारे पास पांच पार्ट हैं, तो ये देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आठ एक्स प्लस आठ वाई। ठीक है, तो अभी देखिए इनका गुणनखंड करने हैं बच्चों। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स वाई आठ एक्स आठ वाई, ये तो ऐसे ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो दो पहले हैं ये, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स जमा वाई, ये आ गया अंदर, फिर इन दोनों में से आठ कॉमन आएगा बच्चों। ठीक है, सांझा गुणनखंड आठ है, तो यहाँ भी एक्स जमा वाई अंदर बचेगा। अब ये देखिए, ये दो बच गए हैं, ये और ये, इन दोनों में जो सेम चीज है वो क्या दिख रही है हमें, ये ब्रैकेट लिख रही पूरी एक्स जमा वाई, यहाँ भी एक्स जमा, तो एक्स जमा वाई जो है हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचा एक्स, यहाँ जमा आठ, तो ये गुणनखंड आ गया इसका। ठीक है, एक्स जमा वाई और एक्स जमा आठ, समझ में आया। फिर सेकंड पार्ट है आपका तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पंद्रह एक्स वाई माइनस छ एक्स जमा पांच वाई माइनस दो। ठीक, अब इसमें भी देखिए पहले दो पार्ट हैं, जो पंद्रह एक्स वाई माइनस छ एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, देखो तीन एक्स इसमें भी आया, तीन एक्स से भाग हो जाता है, ये भी तीन एक्स से ये भी भाग हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन एक्स से भाग हो के ये तीन एक्स बाहर आ गया, यहाँ बचेगा पांच वाई और माइनस यहाँ दो बचेगा बच्चे। ऐसे ही इन दोनों में देखिए कोई भी कॉमन चीज नहीं है, अगर जिन में से कोई भी कॉमन नहीं होता तो उनमें एक जरूर होता है कॉमन, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक कॉमन है बच्चों। जब एक कॉमन होएगा तो ये सेम चीज अंदर आएगी। ठीक, तो यहाँ भी एक कॉमन है, तो यार अब ये देखिए इन दोनों में ये चीज कॉमन है दोनों में, तो ये जो कॉमन चीज है इसको हम बाहर लिख लिया, और अंदर आ गया तीन एक्स जमा एक, तीन एक्स जमा एक, तो ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, कर लें इसे जल्दी से। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीन का तीसरा पार्ट है ए एक्स जमा बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके भी हमने गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो में से क्या कॉमन ले लेंगे, x। ठीक है, जैसे ए एक्स माइनस ए वाई है, ठीक है, और b, ये बी एक्स है और ये बी वाई, ये दोनों इकट्ठे कर लिए और ए एक्स और ए वाई ये लिख लिए। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में a दिख रहा है,
तो ए बाहर आ गया, अंदर आ गया एक्स माइनस वाई। समझ में आई ये बात? इन दोनों में बी बाहर आ गया, अंदर आ गया एक्स माइनस वाई। ठीक, अब इन दोनों में एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो एक्स माइनस वाई बाहर ले लिया, अंदर आएगा ए जमा बी, तो ये इसका गुणनखंड आ गया। सेम यही चीज है, एक्स माइनस वाई गुणा में ए जमा बी। फिर थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ पार्ट है बच्चे, 15 PQ + 15 + 9Q + 25 P। ठीक है, तो इसको क्या करना है बच्चों? अब हमने 15 PQ और 25 P यानी इन दोनों को हमने इकट्ठा एक जगह लिख लिया। जो चिन्ह होंगे ना इनके, वो चिन्ह हमने उनके साथ ही रखने हैं। अगर जमा के हैं तो जमा में ही रखने हैं, माइनस है तो माइनस में। फिर उसके बाद 15 और 9Q अलग कर दिया हमने। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, जैसे 15 और 25 है तो इनमें 5 कॉमन है, 5 है और पी दोनों में है, तो ये 5P बाहर आ गया। तो जब 15 PQ में इसको 5P से भाग देंगे तो उसमें अंदर 3Q रह जाएगा, और 5P को इससे भाग देंगे तो 5 बचेगा। ऐसे इन दोनों में 3 कॉमन आएगा बच्चों, क्योंकि 9 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ 3Q रह गया जमा 5 रह गया। अब दोनों में देखो 3Q + 5 है, 3Q + 5, तो ये चीज कॉमन है बाहर ले ली, और अंदर आ गया 5P + 3, तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, इसे कर लीजिए जल्दी से। आगे है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखें, ये है जैसे z - 7 + 7xy - xyz। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस एक्स वाई जेड को पहले लिख लिया, तो इसके साथ साथ एक्स वाई लिख लिया जमा में, और फिर जमा ये z - 7 यहाँ पे लिख लिया बच्चों। अब इसमें देखिए, ये जो एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे। क्या लेंगे इसमें से? माइनस एक्स वाई इसमें से भी, माइनस एक्स वाई इसमें से भी। तो जब हम माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करें क्योंकि ये नई टाइप है, तो माइनस एक्स वाई हमने कॉमन लिया, तो जब माइनस भी कॉमन लेते हैं ना तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का है तो जेड यहाँ पे प्लस का बचेगा, और ये प्लस का 7 बच रहा था यहाँ, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा 7। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में एक कॉमन ले लेंगे बच्चों, z - 7 में से एक कॉमन। तो अब ये z - 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो z - 7 जो है दोनों में कॉमन बाहर आ जाएगा। ये z - क्या आया, 7, यहाँ पे आएगा z - 7। ठीक है, इसको ठीक कर लें बच्चे, ये है 7, z - 7। ठीक है, तो ये जैसे माइनस एक्स प्लस वाई ये हो गया, और z - 7 है, तो ये आपके गुणनखंड आ जाएंगे माइनस माइनस। यहाँ पे देखो ये माइनस बाहर आ गया ना, तो ये माइनस का एक हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, एक जमा का हो गया माइनस एक्स वाई, और यहाँ z - 7 z - 7, तो ये प्लस आएगा बच्चों। यहाँ ये माइनस लिख रखा है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया 1 - xy और z - 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने किया प्रश्नावली 12.1 कक्षा 8 गणित, और अध्याय 12 था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों 12.2। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।